दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो रिसीवर है ये एक तरह का अमोनिया टैंक है। तो अमोनिया टैंक में लिक्विड अमोनिया को रखा जाता है। ये लिक्विड अमोनिया जिसे हम एनहाइड्रस अमोनिया भी कहते हैं, यानी कि निर्जल अमोनिया, इसमें जो अमोनिया इस्तेमाल होता है ये एनहाइड्रस अमोनिया होता है। एनहाइड्रस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिना पानी के। ये अमोनिया 99% से भी ज्यादा शुद्ध होता है, ठीक है, प्योर होता है। तो इसे निर्जल अमोनिया कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनहाइड्रस अमोनिया के बारे में, यानी निर्जल अमोनिया के बारे में। दोस्तों एनहाइड्रस अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है जिसमें बिल्ली के मूत्र जैसी गंध होती है। हालांकि यह गंध अप्रिय लगता है लेकिन यही इस यौगिक की सबसे मजबूत सुरक्षा विशेषता है। इसलिए इसके थोड़े से लीकेज को भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक क्यूबिक फीट निर्जल अमोनिया 855 गुना गैस उत्पन्न कर सकता है, यानी कि एक क्यूबिक फीट निर्जल अमोनिया 855 क्यूबिक फीट गैस उत्पन्न कर सकता है। तो इससे समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होता है। निर्जल अमोनिया के वाष्प हवा में नमी के साथ मिश्रित होने पर सफेद बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। अमोनिया आमतौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्प्रेरक प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। एक हिस्सा नाइट्रोजन और 3 हिस्सा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है जिसका रासायनिक सूत्र है NH3। इसे हैबर वाश प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही कुशल है। निर्जल अमोनिया के उत्पादन में इस प्रक्रिया का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी गैस को या तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके या उसे माइनस में ठंडा करके ही तरल रूप में लाया जा सकता है। तो अमोनिया भी इसी दो प्रक्रियाओं द्वारा गैस से तरल रूप में लाया जाता है। हैबर वॉश प्रक्रिया द्वारा अमोनिया को निर्मित करने के बाद इसे दो तरह के स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है, गोलाकार हॉरिजॉन्टल टैंक और वायुमंडलीय अमोनिया स्टोरेज टैंक। चूँकि अमोनिया हमेशा गैसीय अवस्था में रहता है इसलिए उसे दो तरह से लिक्विफाइड किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके और उसे -28 डिग्री फारेनहाइट पर रेफ्रिजरेट करके यानी ठंडा करके। अमोनिया पर 125 PSI प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विफाइड हो जाता है, यानी वो लिक्विड रूप में आ जाता है। तो इन दो प्रक्रियाओं द्वारा अमोनिया को गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में लाया जाता है। गोलाकार हॉरिजॉन्टल अमोनिया स्टोरेज टैंक में अमोनिया को परिवेशीय तापमान पर रखा जाता है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उसका प्रेशर 145 PSI तक हो सकता है। इस टैंक का कैपेसिटी लगभग 2000 टन तक होता है। बात करें वायुमंडलीय अमोनिया स्टोरेज टैंक यानी एटमोस्फेरिक अमोनिया स्टोरेज टैंक के बारे में, तो उसका टेम्परेचर माइनस में रखा जाता है, यानी उसमें अमोनिया को -28 डिग्री फारेनहाइट के नीचे तक ठंडा किया जाता है ताकि वो लिक्विड रूप में आ सके और उसका टेम्परेचर 1 ATM के आसपास रहता है। यानी उसको एटमोस्फेरिक स्टोरेज टैंक इसीलिए बोलते हैं कि उसका प्रेशर 1 atmospheric प्रेशर के बराबर होता है। इस टैंक का कैपेसिटी 50,000 टन तक होता है। ये दूसरे टैंक से काफी सुरक्षित होता है, सेफ होता है, क्योंकि इसका प्रेशर टेम्परेचर काफी लो होता है। लेकिन इसके विपरीत गोलाकार हॉरिजॉन्टल स्टोरेज टैंक जो होता है ये प्रेशराइज्ड होता है, उसमें 145 के ऊपर ही प्रेशर होता है और उसको दबाव में अमोनिया को तरल रूप में लाया जाता है। तो इस तरह दोस्तों बड़े बड़े टैंकों में एनहाइड्रस अमोनिया को स्टोर करके रखा जाता है और इस तरह का टैंक वितरण टर्मिनलों पर होता है जहाँ से इसे आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अमोनिया सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला केमिकल्स में से एक है। एनहाइड्रस अमोनिया के उत्पादन के लिए दुनिया भर में बड़े बड़े संयंत्र स्थापित किए गए हैं। विश्व भर में अमोनिया का वार्षिक उत्पादन 200 मिलियन टन से भी ज्यादा है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष अमोनिया का उत्पादन 235 मिलियन टन तक पहुंच गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया उत्पादक देश है जो विश्व के कुल उत्पाद का लगभग 32% का उत्पादन करता है। इसके बाद रसिया 8.7% के साथ दूसरे नंबर पर, भारत 7.5% के साथ तीसरे नंबर पर
और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 7.1% के साथ चौथे नंबर पर आता है। विश्व के कुल अमोनिया उत्पाद का 80% से ज्यादा का इस्तेमाल कृषि फसलों के लिए उर्वरक बनाने के लिए यानी फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ अमोनिया का उपयोग कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, नाइट्रिक एसिड, फाइबर, रंग और फार्मास्यूटिकल्स में भी उपयोग किया जाता है। साथ ही इसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए भी रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्री, चिलिंग प्लांट्स, इसी तरह के कई अन्य रेफ्रिजरेशन यूनिट्स के लिए एनहाइड्रस अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है और यह रेफ्रिजरेंट बहुत ही एफिशिएंट होता है। एनहाइड्रस अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के तौर पर R717 के नाम से जाना जाता है। कई स्थानों पर खेतों में बुआई के 10 दिन पहले जमीन के 6 से 8 इंच की गहराई पर एनहाइड्रस अमोनिया का डायरेक्ट लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है, जिसे फसलों के लिए काफी सारे फायदे मिलते हैं।